एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में गुंडा राज से मुक्ति दिलाने के लिए चलाए जा रहे सबसे बड़े अपराध विरोधी अभियान में आज का अपडेट। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टर और भू माफिया पर कानून का हथौड़ा चलाने वाले उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अपराध विरोधी अभियान में अब कार्रवाई हुई है। उन्नाव में फरार आरोपी फैसल महमूद और प्रयागराज में अतीक गैंग के सक्रिय गुर्गे आशिक अली उर्फ मल्ली पर। कार्रवाई की पहली तस्वीर देखिए, जहां कोर्ट के आदेश पर सदर कोतवाली पुलिस ने फैजल महमूद के घर की कुर्की की। भारी दलबल के साथ पुलिस फैसल महमूद के आवास पर पहुंची। कार्रवाई में पुलिस ने घर में मौजूद 3 AC, 3 सोफा सेट, 2 इन्वर्टर और 3 अलमारी समेत कुल 10 लाख का सामान कुर्क किया। घर में रखे पासपोर्ट और जेवर को भी कुर्क किया गया। कुछ रहना जाए इसलिए पूरे घर की अच्छे से तलाशी ली गई। घर में जो भी सामान दिखा वो बाहर निकलवाया गया। और आखिर में घर के दरवाजे पर ताला जड़कर कुर्की की प्रक्रिया पूरी की गई। आठ आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहा फैसल महमूद काफी दिनों से फरार चल रहा है, इसलिए कोर्ट के आदेश पर यह सख्त कार्रवाई की गई। इसी तरह से यूपी में अपराधियों को पुलिस अब तक 900 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक चोट दे चुकी है। थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा फरार चल रहे एक साथी अभियुक्त फैजल महमूद सनाफ महमूद के खिलाफ धारा 83 CRPC के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें उपयुक्त अभियुक्त की कुल करीब 10 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस अपराध विरोधी अभियान में अगला नंबर प्रयागराज में अतीक गैंग के सक्रिय सदस्य और हिस्ट्री शीटर आशिक उर्फ मल्ली के मकान का आया, जहां जेसीबी मशीनों से एक एक कर उसके मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस तरह से यूपी में अपराधियों को पुलिस अब तक 733 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक चोट दे चुकी है। ABP News आपको रखे आगे।